अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम इंटरनेट में लेसन नंबर 17 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू ऐड पीपल इन फेसबुक। फेसबुक पे आप कैसे लोगों को ऐड कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट को कैसे सेंड कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अपनी पिक्चर, वीडियो एंड स्टेटस वगैरह को कैसे शेयर कर सकते हैं अपनी फेसबुक अकाउंट में। तो इसके लिए मैं फेसबुक अकाउंट ओपन करता हूँ। जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो मेरे पास यहाँ पे आ गई है। तैमूर पे क्लिक करता हूँ तो तैमूर में देखें इसमें जो जो मैंने वीडियोज अपलोड की हैं, जो पिक्चर अपलोड की हैं, वो सारी की सारी मेरे यहाँ पे आ गई है। होम पे क्लिक करेंगे तो होम में वो लोग जो आपके पास ऐड हैं उनकी कंप्लीट डिटेल, उनकी सब कंप्लीट वीडियो वगैरह यहाँ पे सामने आ जाती है। फिलहाल हमारे पास कोई भी ऐड नहीं है। फुटबॉल है, देखें जो जो हमने ऐड किए थे, फुटबॉल हो गया, शायद अफरीदी की ऑफिशियल जो साइड है वो हमारे पास है यहाँ पे। उसकी साइड में क्या कुछ है, क्लिक करें यहाँ पे, ये ऑफिशियल है। और यहाँ पे देखें पेज है इसका, तो इसी कंप्लीट आप अगर देखें तो देखें इसकी कंप्लीट प्रोफाइल है। बस अब देख सकते हैं इसने क्या क्या शेयर किया, क्या क्या अपलोड किया है। आप खुद किसी को ऐड करना चाह रहे हैं, किसी को शेयर करना चाह रहे हैं, किसी को अपनी प्रोफाइल शेयर करना चाह रहे हैं, किसी को ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कोई भी नाम लिखता हूँ मैं यहाँ पे, अली में लिखता हूँ, तो ये आपके पास काफी सारे नाम आ गए। आप इनको किसी को भी आप रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो आप यहाँ से सेंड कर सकते हैं। सिलेक्ट करें, यहाँ पे क्लिक करें, अली शाहीन है, और इसको ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इसको रिक्वेस्ट चली जाएगी। उसकी जो रिक्वेस्ट आएगी वो यहाँ पे ये जो बटन बना हुआ है यहाँ पे देखें, तो ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन नोटिफिकेशन आ जाएगा और यहाँ से इसको क्लिक करके आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो अभी हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट नहीं है। उसके बाद कोई आपको मैसेज करता है तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, आपको इस बटन पर आपको मैसेज आ जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर नोटिफिकेशन जितने भी होते हैं वो सारे सारे यहाँ पर आप नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर सामने आ जाएंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, या मैं फिर आपको ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप जिसको भी ऐड करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट करें, नाम लिखें, फॉर एग्जांपल मेरा आईडी है, तैमूर परवेज, ये काफी सारे तैमूर आ गए, ये मेरा आईडी है, मैं इसको रिक्वेस्ट सेंड करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट किया। आप यहां से भी ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो मैसेज चला जाएगा और ये आपको अगर एक्सेप्ट करना चाहे तो आपको एक्सेप्ट कर सकते हो। तो एक्सेप्ट कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहां से आप इसको ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, आपको एक्सेप्ट करेगा तो ये आपके पास फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अभी हमारे पास फ्रेंड कोई भी नहीं है, यहाँ पे देखें कोई भी फ्रेंड नहीं है। अब फ्रेंड कैसे बनेगा इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास फ्रेंड कैसे बनेगा। तो यहाँ से आप इसको ऐड फ्रेंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से रिक्वेस्ट चली जाएगी इसको और यहाँ पे इस पर नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके पास। तो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं यहाँ से एक रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, तैमूर परवेज के नाम से मैं एक अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। ऐड फ्रेंड पे क्लिक करता हूँ मैं जो ही, फ्रेंड रिक्वेस्ट यहां से चली गई है। और अभी यहां पे आप देखिएगा कि आपके पास यहां पे रिक्वेस्ट यहां पे नोटिफिकेशन में आ जाएगी और आपने यहां से ऐड करना है। अब देखें यहां पे आपके पास एक वन यहां पे लिखा हुआ आ गया, क्लिक करें इस पे, तो मैंने रिक्वेस्ट भेजी है। यहाँ से आप कंफर्म करेंगे, आपको जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा आप उसको कंफर्म करेंगे तो आपके पास ऐड हो जाएगा, फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाएगा। अगर आप उसको ऐड नहीं करना चाहते तो डिलीट रिक्वेस्ट पे क्लिक कर लें। इसी तरह जब आप किसी को रिक्वेस्ट भेजेंगे तो उसके पास भी यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा और आप उसको ऐड करना चाहते तो आप यहाँ पे कन्फर्म करें, लेकिन अगर वो आपको ऐड करना चाह रहा है तो वो यहाँ से कन्फर्म करेगा तो आप उसके पास ऐड हो जाएंगे। तो अभी आपके पास फ्रेंड में एक फ्रेंड ऐड हो गया, तैमूर परवेज। अब इसी तरह आप और भी ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको कोई रिक्वेस्ट भेजे तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपको
ऐड हो जाएगी। अब तैमूर परवेज ने जो जो अपलोड किया है, होम में आप क्लिक करें तो जो जो इसने अपलोड किया तो सारी सारी चीजें यहां पर बस सामने आ रही है, आ जाएंगी। देखें होम, आपने सॉरी होम पे क्लिक करना है, होम में जो भी अभी जो कुछ ऐड हुआ है वो देखिए यहां पे आपके सामने नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं कि अब आप कोई भी वीडियो कैसे शेयर कर सकते हैं किसी को। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल यहां पे ये चीजें, ये एक वीडियो है जिसको मैं शेयर करना चाह रहा हूं, अपने प्रोफाइल में शेयर करना चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे सब फ्रेंड को ये वीडियो नजर आए, वो देख सकें, तो उसके लिए शेयर पे क्लिक करेंगे आप। अब यहां से जो है शेयर पे क्लिक करते हैं, शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे। क्या कह रहा है यहां पे, कह रहा है ये आपकी प्रोफाइल में शेयर हो गई ये वीडियो। इसको देखने के लिए आप तैमूर पे क्लिक करें, अपने प्रोफाइल पे क्लिक करें और यहां पे आप देखेंगे तो आपके यहां पे सामने आ जाएगी, तो देख सकते हैं कि मैंने वीडियो शेयर की है, तो यहां से आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये आपके जितने भी फ्रेंड हैं उन सबको शेयर हो गई है, उन सबको मिल जाएगी। आप होम पे क्लिक करेंगे तो होम में भी आप देखेंगे तो आपने जो वीडियो शेयर की है तो यहाँ पे आगे यहाँ पे जितने भी आपके फ्रेंड होंगे उन सबको ये वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको कोई वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसको यहाँ से लाइक कर सकते हैं, लाइक करेंगे तो वीडियो लाइक हो जाएगी, अगर उसको कमेंट करेंगे तो आप यहाँ से उस वीडियो पे कमेंट भी दे सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं। उसके बाद आप बस यहाँ पे ओके स्टेटस का क्या फंक्शन होता है, आप अपना स्टेटस भी अपडेट करना चाह रहे हैं तो आपके माइंड में जो कुछ है आप यहाँ पे लिखें, अदरवाइज आप लिखने के अलावा यहाँ पे आप पिक्चर्स वगैरह फोटो वगैरह ऐड कर सकते हैं। डेस्कटॉप से फोटो ऐड करें, कुछ भी लिखें और पोस्ट करेंगे तो ये आपका स्टेटस अपडेट हो जाएगा और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे और आपके फ्रेंड के फ्रेंड भी जो होंगे उन सबको ये पोस्ट चली जाएगी और ये स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा और वो देख सकेंगे। पोस्ट पे क्लिक करेंगे जो ही तो आपका स्टेटस पोस्ट हो गया है और आपके जितने भी फ्रेंड है वो सारे के सारे फ्रेंड आपका ये स्टेटस देख सकेंगे। इसके अलावा यहाँ पे जितने भी पीपल हैं यहाँ पे तो ये वो लोग हैं जो आप जो मेरे साथ ऐड हैं, मेन जो आपके फ्रेंड हैं उनके साथ जो जो ऐड हैं तो वो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे वो लोग हैं, आप उनको ऐड करना चाहते हो आप यहाँ से उनको ऐड कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट कि आप कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे आप रिक्वेस्ट को शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा आप कैसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कैसे कर सकते हैं, लाइक कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर हमने डिस्कस किया। इसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल आप डेली मोशन में किसी और जगह पे आप कोई वीडियो देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं डेली मोशन में कोई वीडियो देख रहा हूँ, तो मुझे वीडियो अच्छी लगती है डेली मोशन में वो देख रहा हूँ और देखते देखते मुझे अच्छी लगी, मैं चाहता हूँ ये मेरे फेसबुक पे शेयर हो जाए, तो आपने फेसबुक को भी ऑन रखना है, डेली मोशन को भी ऑन रखना है और कोई भी वीडियो जो है आप उसको क्लिक करें। यहाँ पे ये मुझे वीडियो एक देख रहा हूँ मैं, ये वीडियो मुझे अगर अच्छी लगी है तो मैं इसको शेयर करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे कोई भी जो सोशल मीडिया या मल्टी मीडिया आपके पास जो भी साइट्स होती हैं जिनमें YouTube हो जाती है या डेली मोशन और इसके अलावा जितनी भी साइट है उनमें से अगर आपको कोई वीडियो वगैरह अच्छी लगती है तो आप उसको शेयर करना चाहें तो आप उसको शेयर कर सकते हैं। शेयर का ये ऑप्शन, इस पर क्लिक करें, अभी ये वीडियो चली नहीं है, कुछ टाइम लेती है चलने में। और यहाँ पे देखें शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे भी नीचे भी है, तो सिलेक्ट करें, यहाँ पे फेसबुक पे शेयर करना चाह रहे हैं फेसबुक को सिलेक्ट करें, आपका अकाउंट सामने आ जाएगा, आपके वॉल में शेयर करना चाह रहे हैं आप इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे शेयर लिंक पे क्लिक करें
तो ये वीडियो भी आपके बारे में शेयर हो जाएगी, आपके बारे से डायरेक्ट आपके जितने भी फ्रेंड होंगे वो देख सकेंगे इस वीडियो को। यहाँ पे आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद ये यहाँ पे शेयर हो जाएगी आपकी वीडियो। तो रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखें ये वीडियो क्या हो गया, यहाँ पे शेयर हो गया एकदम से। क्लिक करें यहाँ पे, तो इसको यहीं पे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे आप इसको इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके यहाँ पे देखिए आपका वीडियो सामने आ गया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये था जी आज का लेसन, जिसमें हमने वीडियो को कैसे शेयर कर सकते हैं, आप फ्रेंड रिक्वेस्ट कैसे सेंड कर सकते हैं, कैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, इन सब चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।